हेलो दोस्तों, जय माता दी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल वायरल सोमंसी। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जिससे आप एक ऐसी खान में चले जाएंगे कि आप वहाँ उस खान से कोई भी कॉइन को निकाल सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही बहुत आप सबका धन्यवाद कि आप इतना मुझे सपोर्ट कर रहे हैं यूट्यूब पे। तो मैंने भी सोचा आपके लिए एक नई प्लेलिस्ट, नई सीरीज की शुरुआत करी जाए जिससे आपको ट्रेडिंग करने में और स्मूथनेस महसूस हो और आप एक ऐसे समुंदर में, ऐसी कुआ, छोटे कुएं में थे अभी हम लोग। मैंने आपको बहुत ही इंडियन एक्सचेंज बताए और अभी इंडिया के बाहर के एक्सचेंज जितने बताए सेंट्रलाइज के, तो मैं आपको एक ऐसे समुंदर में लाना चाहता हूं कि वहां से आप जो मन चाहें वो कॉइन बाई कर सकते हैं। और इस ट्रस्ट वॉलेट की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा क्या इसकी वैल्यू है क्रिप्टो करेंसी में। तो आप एक ऐसी जगह पे पहुंच जाएंगे, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप मान लीजिए कि आप क्रिप्टो करेंसी में कुछ भी नहीं जानते। मैं आपको पार्ट वन लेके आज आया हूं, इसके बारे में पहले पूरी डिटेल दूंगा, उसके बाद मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पे बताऊंगा कैसे उसमें हमको अकाउंट बनाना है, कैसे उसे हम लोग बाई और सेल कर सकते हैं। तो पहले किसी चीज को सीखने से पहले उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि वो चीज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। आइए जानते हैं। देखिए, ट्रस्ट वॉलेट का पहला पार्ट, बाई मैनी न्यू क्रिप्टो करेंसी। आप वहां से जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है, बाई जितनी भी न्यू क्रिप्टो करेंसी आती है वहां से आप बाई कर सकते हैं। देखिए, सपोर्ट 60 प्लस ब्लॉकचेन्स, ये 60 प्लस ब्लॉकचेन को देखो सपोर्ट करता है। अब देखिए, किसी भी एक्सचेंज पे ज्यादा कॉइन नहीं होते हैं, लेकिन यहां पर मैंने लिख रखा है 1.5 लाख प्लस कॉइन्स, या मतलब आप यहां पर इतने ज्यादा कॉइन्स की ट्रेडिंग कर सकते हैं। लगभग लगभग जितने भी क्रिप्टो करेंसी से नए कॉइन आते हैं, जो भी कॉइन है इस पे आपको अवेलेबल होंगे। इसके नेटिव टोकन की बात कर लेते हैं, तो इसका नेटिव टोकन है ट्रस्ट वॉलेट टोकन TWT, इसका ट्रस्ट वॉलेट का नेटिव टोकन है। देखिए, वॉलेट क्या होता है मैं आपको बताता हूं, वॉलेट और एक्सचेंज में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, दो टाइप के मैं बालक वॉलेट होते हैं। देखिए, एक होता है, आपने सुना होगा, हार्डवेयर वॉलेट, एक होता है सॉफ्टवेयर वॉलेट। देखिए, हार्डवेयर वॉलेट होते हैं बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं। ठीक है, अगर किसी बिजनेसमैन को या किसी को भी मान लीजिए बहुत ही ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए खाली किसी चीज को मतलब करना है, होल्ड करना है, तो हार्डवेयर वॉलेट का यूज करते हैं, ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो लोग सॉफ्टवेयर वॉलेट का ज्यादा यूज करते, जिसमें सबसे पॉपुलर वॉलेट है ट्रस्ट वॉलेट, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, ये एप्लीकेशन फॉर्मेट पे होता है, प्ले स्टोर से आप वहां पर डाउनलोड कर सकते हैं, iOS और ये एंड्रॉइड दोनों वर्जन में वहां पर उपलब्ध है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्मेट में होते हैं, जैसे ट्रस्ट वॉलेट ये सबसे फेमस है। ये फेमस दोस्तों क्यों हुआ, देखिए पार्टनरशिप, इसकी पार्टनरशिप दोस्तों हुई थी बाइनेंस के साथ में 2018 में, तो इसको वहां से बहुत ज्यादा पॉपुलरिटी मिली थी, या एकदम हाइप में दोस्तों रहता है। अब देखिए, एक्सचेंज क्या होते हैं, देखिए एक्सचेंज दोस्तों होते हैं सेंट्रलाइज। कोई भी गवर्नमेंट, अगर आपने मांग दिया किसी से, जैसे मान लीजिए कॉइन DCS पे आपके होल्डिंग है, कुकॉइन पे होल्डिंग है, कुकॉइन भी किसी देश का एक्सचेंज है, और MXC भी है, और अपने यहाँ का कॉइन DCS का मैंने एग्जांपल लिया है, वजीर एक्स है, सन क्रिप्टो है। अगर जैसे किसी ने मांग दिया यहाँ पर कितना डाटा किसके पास कितना अवेलेबल है क्रिप्टो का, तो वहां से वो डाटा देते हैं, सेंट्रलाइज है। सेंट्रलाइज चीजों में बहुत दिक्कत हो जाती है, जैसे आपने अभी सुना होगा FTT एक्सचेंज के साथ में दिक्कतों का सामना काफी इसको करना पड़ा था, तो वहां पर काफी दिक्कत हो गई थी। तो ये क्या सेंट्रलाइज होते हैं। अब ट्रस्ट वॉलेट क्या है, देखिए क्या है, ट्रस्ट वॉलेट डिसेंट्रलाइज है, यहां पर किसी का भी कोई नहीं है। अगर देखिए, इसमें की होती है, जो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा, की होती है, अगर वो खो गई तो ट्रस्ट वॉलेट उसको खुद ही एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो यहां पर दोस्तों मैंने ये 8वां पॉइंट लिखा है, इसको ध्यान से देखिएगा। एक तो ये डिसेंट्रलाइज होता है दोस्तों, और यहां पर अगर इसकी की जो होती है वो खो गई तो ट्रस्ट वॉलेट आपकी क्रिप्टो को खुद ही एक्सेस नहीं कर पाएगा, तो और कोई क्या करेगा। तो ये दोस्तों बात बहुत ही ज्यादा ध्यान रखिएगा, जैसे कभी कभी एक्सचेंजों पे दिक्कत आ जाती है तो आपके पास एक अल्टरनेट वॉलेट होना चाहिए। अल्टरनेट वॉलेट से आपको बहुत ही सारी सुविधाएं हो जाती हैं कि जैसे किसी भी एक्सचेंज में कभी कोई दिक्कत आई तो अपना सारा क्रिप्टो इस पे आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या है इसकी की दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, की अपना बहुत ही सेव करके रखिएगा, 2-3 जगह लिख के रख लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट लेके पेन ड्राइव में कर लीजिएगा। तो ये आपकी जो की अगर सेफ रही तो ये आपके जो क्रिप्टो एसेट्स हैं हमेशा के लिए सेफ रहेंगे। कैसे की बनानी है और कैसे हम लोग को अकाउंट बनाना है, मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा। ठीक, एक्सचेंज क्या होता है, देखिए मैंने भी बताया था, कभी कभी हैक हो जाते हैं या उसमें बग्स आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो इन प्रॉब्लमों को आपका सामना नहीं करना पड़ेगा। ट्रस्ट वॉलेट बहुत ही सिक्योर वॉलेट है, ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो जाती है। मैंने आपको बताया, तो न्यू करेंसी या कोई भी चीज आपको बाई कर सकते हैं, किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी का आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा। देखिए, बाई एंड सेल क्रिप्टो कर सकते हैं, ठीक है, सेंड एंड रिसीव क्रिप्टो कर सकते हैं, NFT और बाई सेल भी वहां से आप कर सकते हैं, स्टेक कॉइन को करके वहां से इंटरेस्ट भी आप
ले सकते हैं। तो आज मैंने आपको बताया ट्रस्ट वॉलेट क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आप ट्रस्ट वॉलेट नहीं यूज करते हैं तो आप समझ लीजिए एक क्रिप्टो करेंसी के बारे में दोस्तों आप कुछ नहीं जानते हैं। तो इसके बारे में आपने समझा ये ट्रस्ट वॉलेट क्या है। आने वाली वीडियो में मैं आपको पार्ट टू के बारे में बताऊंगा कि इसको कैसे यूज करते हैं, इस पर अपना अकाउंट कैसे बनाएं, की कैसे सेव रखें, मैं आपको ट्रेडिंग करना सिखाऊंगा। तो ये दोस्तों मैंने अपनी नई सीरीज एक आप लोगों के लिए स्टार्ट करी है कि आप और भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसी में उसकी जानकारी लें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी, जय हिंद।